फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है। मैं इसे ट्रांसप्लांट करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूं। अब इसके साथ में लगा हुआ है, इसमें तीन प्लांट चल रहे हैं, तो मैं सोच रही इसे थोड़ा सा अलग कर दूं, अलग प्रोवाइड कर दूं जगह, तो ये अच्छे से चल जाएगा। पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है सही से। अब मैं इसमें अपनी गार्डन सॉइल, ये रेत है, इसमें इसे क्योंकि इसे सैंडी सॉइल पसंद है, रेतीली मिट्टी, तो इसमें सैंड मिलाऊंगी। ये एक मुट्ठी के करीब कंपोस्ट है और ये फंगीसाइड है और मेरे गार्डन की सॉइल होगी ये। इसे मिक्स करके इसमें डालती हूँ पॉट में, मैं फिर आपको दिखाती हूँ, है ना। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इसके रूट्स जो ख़राब ना हो, अगर मैं ऐसे खींच लूँगी तो इसके रूट्स ख़राब हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। और कई प्लांट्स लग रहे हैं इसलिए ये देखा आप, एक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नीचे चले गए इसके रूट्स, ये मिल गई हैं आपस में। ये मैं कटिंग सी लेके आई थी, अब देखो अब आप इसमें कितने अच्छे से रूट्स निकल आएंगे। ये मैं कटिंग सी लेके आई थी, ऐसे दो पत्ते लेके आई थी, तो इसके कुछ तो मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिए हैं, इसी टाइप का हैंगर में लगा रखा है ऊपर स्टैंड, वर्टिकल गार्डन में उसमें लगा रखा है, तो उसमें लगा दिया। ऐसे प्रोपोगेशन इसके दो तीन प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं, उसे आप अलग करते रहो। और ये लीव्स न्यू वाली है, अच्छे से एयर पॉकेट ना रखो, अच्छे से दबा दो, थोड़ा एक्स्ट्रा भर देते हैं, पता चले पानी बारिश बारिश हो रही है, पानी रुक जाए इसमें। अभी अलग से शेड में रख दूंगी, वरना से इसी में रहना पड़ता है, तो ये धूप में रहता है ये वाला प्लांट। ट्रांसप्लांट इसमें वाटरिंग कर दूं थोड़ी सी, डालूंगी पानी थोड़ा ही, पता चलेगा अगर पानी डालूंगी तो सड़ जाए, पानी ज़्यादा नहीं डालना, वैसे मिट्टी है, गीली गीली मिट्टी हो रही है। ये शेड में ही रहने वाला पसंद करता है, ये वाइन टाइप का चलता है सिंगोनियम, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी में आता है। ओके फ्रेंड्स, मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।